नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज बसव कल्याण। बसव कल्याण में गवर्नमेंट हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर की ओपनिंग बसव कल्याण के MLA बी नारायण राव ने की। डायलिसिस मशीन छाती ग्रस्त गुर्दों के रोगियों के लिए रक्त शोधन की प्रक्रिया करती है। बसव कल्याण के MLA ने कहा कि डायलिसिस के लिए पेशेंट उमरगा, गुलबर्गा, लातूर, सोलापुर और हैदराबाद जाना पड़ता था। अभी ये सुविधा बसव कल्याण के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध है। सर, अभी जो हॉस्पिटल में मशीन की ओपनिंग की गई, उसके बारे में डिटेल बताइए। देखो, आज ये बहुत दिनों का हमारा डिमांड था बसव कल्याण में डायलिसिस के लिए। सारे लोग सोलापुर, लातूर, गुलबर्गा, हैदराबाद जाते थे। ये सहूलत हमारे पास नहीं थी। हमने DHO साहब को और हमारे मंत्री को हमने रिक्वेस्ट किया था। हमारा DHO साहब ने खास तौर पर इस चीज़ को ध्यान तवज्जो देके ध्यान देके तुरंत कल मेरे को फ़ोन करे कि कल आपका डायलिसिस सेंटर ओपनिंग करने का बोल के आज वो ओपनिंग करे हैं। डेली 4 पेशेंट्स को 2 मशीन्स है, तो 4 पेशेंट को हम अटेंड कर सकते हैं। और इससे हमारे गरीब लोगों को जो ट्रांसपोर्ट का पैसा बच जाता, एम्बुलेंस का पैसा बच जाता, जाने आने का वक्त बच जाता, और घर में गांव में अपने तालुके में यह सहूलत पहली बार हमको जो मिला है, हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और DHO जब्बर साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारा और एक डिमांड है CT स्कैन का, वो एक तुरंत हमको 1 महीने के अंदर वो एक करके दिए, तो CT स्कैन के वजह से पेशेंट बाहर जाके वहाँ रिपोर्ट आने के बाद उधर ही अटेंड कर दूसरे डॉक्टर के तरफ जा रहे, वो अगर रिपोर्ट हमको इधर ही मिला तो यहाँ के डॉक्टर के पास ही वो लोग या यही हॉस्पिटल में या लोकल हॉस्पिटल में वो लोगों को सहूलत मिलता साहब। तो हमारा पेशेंट जो गरीब है, जो भी पेशेंट है, उसका पैसा बचाना, उसको इमीडिएट रिलीफ मिलना और इमीडिएट उसको कुछ ना कुछ जो पेशेंट का गोल्डन पीरियड जो बोलते हैं उसी टाइम पे कुछ तो रिलीफ मिला तो पेशेंट बचता साहब। वो गोल्डन पीरियड 2-3 घंटे का पास हो गया, हम करोड़ रुपए खर्चा कर रहे थे भी वो नहीं बचता साहब। इसलिए डायलिसिस और CT स्कैन का बहुत ज़रूरी है। उस पर डायलिसिस का आज उद्घाटन हुआ, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो DHO साहब है जब्बर साहब, उनको भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम नगर सभा के अध्यक्ष मीरजरी नौरंग साहब, तालुका पंचायत के अध्यक्ष हमारे श्रीमती यशोदा नीलकंठ राठौड़ साहब, सारे नगर सभा के हमारे रवि गायकवाड़ साहब, हमारे दाऊद साहब, अर्जुन करंग साहब, मित्रे साहब, रईस साहब, सारे बहुत सारे युवराज भिंडे साहब, सब लोग मिलके तालुका ऑफिसर्स, यहाँ के डॉक्टर, आज हमको बहुत खुशी है कि हमारे लोगों को ये जो सहूलत आज से शुरू हुआ है। ऑलरेडी 2 पेशेंट वहाँ पर आप खुद आंखों से देखे हैं। आगे आने वाले दिन में हम DHO साहब से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमको CT स्कैन एक ला के दिए, हम नंबर 1 हॉस्पिटल नाम ला के देते, और यहाँ के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के सारे स्टाफ हमारे ज़िले में आज अगर कोई कमीशन बिठा के भी इंक्वायरी करे तो हमारा बसव कल्याण हॉस्पिटल नंबर 1 पर आता है। सर, उसके अलावा भी बसव कल्याण में एक ब्लड ग्रुप, ये ब्लड बैंक की भी ज़रूरत है सर, जो काफ़ी नहीं है सर, काफ़ी बराबर नहीं है सर, उसकी हालत जो है काफ़ी खस्ता हालत है। उसको हम प्रॉपर जिसको जो ब्लड ग्रुप मिलना है उसको मिल नहीं पाता था, काफ़ी कमी मिलती है उसका। हम आगे आने वाले दिन में इम्प्रूवमेंट करते हैं सर। एक एक प्रॉब्लम जैसे एग्जाम लिखने वाला एक एक क्वेश्चन का आंसर देते साहब, हम एक एक समस्या हल करते साहब। तुम सब सवाल एक ही बार पूछे तो वो आप भी समझना, हम भी समझना। अभी नया नया आदमी आया हूँ तो मैं एक बार 70 साल का एक ही बार उठा बोले तो नहीं होता। थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं। और वर्ल्ड सिटी में खिला गली में हम साहब को भी अब बताएं, 15 करोड़ का मेटर्निटी हॉस्पिटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट का एक बढ़िया हॉस्पिटल उधर हमारा बनाने का प्रपोजल है। मैं वही आज हमारे जिला के मंत्री, मुख्यमंत्री से, शिवानंद पाटिल हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके DHO साहब वो एक हॉस्पिटल ओल्ड सिटी में बना के दिए तो इधर प्रेशर कम होता, उधर ये होता, और आने जाने का ऑटो ट्रांसपोर्ट का पैसा बच जाता गरीब लोगों को। और रात के 2-2 बजे ऑटो वाला 300-400 रुपये डिमांड करता है साहब,
जब पेशेंट यहाँ आना बोले तो मुश्किल होता, उधर एक हो गए तो हमको और सहूलत होता है, इसको भी सहूलत होता। DHO जब्बा साहब ने डायलिसिस मशीन के बारे में जानकारी दी। हमारे साथ हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के DHO साहब जब्बा साहब, आइए से बात करते हैं। सर अभी जो डायलिसिस का जो मशीन को ओपनिंग किया गया उसके बारे में जो डिटेल जानकारी चाहिए सर। डायलिसिस के मशीन के बारे में डिटेल जानकारी ऐसा है, हमने इसको गवर्नमेंट लेवल पे मेंटेन करने के लिए कुछ कम ज़्यादा होने के चांसेस है, उसके लिए उसको PPP कर दिया। PPP माने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इसमें हमें प्राइवेट एक कॉन्ट्रैक्टर BR शेट्टी एजेंसी को हम दिए हैं, वो लोगों को चलाना है। सरकार की तरफ से इनको हम पानी की सहूलत, बिल्डिंग की सहूलत, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, ये लॉजिस्टिक हम देते हैं। मशीन और स्टाफ जो काम करेगा उनका काम करेगा। इससे फ़ायदा ये है कि उन लोगों को एक जस्तजू रहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट लोगों को यहाँ पर डायलिसिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुनाफा भी कमाना है। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट 100% कामयाब होने वाला प्रोजेक्ट है और इसमें सहूलत है लोगों के लिए। आते दिनों में अभी हमारे MLA साहब फरमा रहे थे, लोग इधर उधर खाना खा रहे तो खाने में क्या है, मिलावट हर जगह, अडल्ट्रेशन है फूड में, हर तरीके के फूड में अडल्ट्रेशन है। अगर मैं आपको लिस्ट दूंगा कि अडल्ट्रेशन किस में है तो आप मार्केट में जाके थैली खाली वापस लेके आना पड़ता है। तो ये हालत आज के ज़माने की है, गवर्नमेंट उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कई वजूहत हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक रीनल फेल्योर, गुर्दे फेल हो जाते हैं, BP है, शुगर है, कंजेनाइटल डिसीज, पैदाइशी बीमारियाँ हैं और कुछ इन्फेक्शन है। इससे ये बीमारी बहुत सारे लोगों को लाक है। आज की तारीख में पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को तकलीफ होती थी कि अभी सोलापुर जाना, हैदराबाद जाना, गुलबर्गा जाना, अभी MLA साहब आपको बता रहे थे। ये काम होने की वजह से इन लोगों को यहाँ पे एक अच्छी तरीके से सहूलत अपने घर पे दी जा सकती है। सर ये एक पेशेंट को कितना टाइम लगेगा डायलिसिस के लिए? डायलिसिस डिपेंड्स पेशेंट का, उसका जो बीमारी की जो हालत है, कम से कम 4 से 5 घंटे, 4 to 5 hours। कभी 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 शॉर्ट डायलिसिस भी करते हैं, अगर पेशेंट टॉयलेट नहीं कर रहा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा, तो उसको शॉर्ट करके नंबर ऑफ सीटिंग ज़्यादा कर देते हैं। सो 4 to 5 hours से मिनिमम टाइम है। तो इस तरीके से 2 shifts तो अभी करने का इरादा है। आने वाले दिनों में टेक्नीशियन हमारे इब्राहिम साहब, ऐसे और एक दो टेक्नीशियन आ गए तो मैं समझता हूँ 3 shifts करने के लिए तैयार है। ओनली थिंग स्टाफ की जरूरत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।